चलो अभी स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट जो भी बाकी है, ठीक है। और समझते हैं कि कैसे हम अलग अलग फंक्शंस के पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अगर एफ एक्स और जी एक्स पीरियडिक फंक्शन है विद पीरियड t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली, देन hx जो फंक्शन होगा जो कि दोनों का समेशन होगा या दोनों का डिफरेंस होगा या फिर दोनों का प्रोडक्ट होगा या फिर दोनों का डिवीजन होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। उन सारे प्रकार के फंक्शंस के लिए अगर दो फंक्शन का पीरियड, दो फंक्शन ऐसे हैं जिनका पीरियड हमें ऑलरेडी पता है, तो उनका हेल्प से मैंने उन दोनों का समेशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, उन सब का पीरियड अपन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम ऑफ t1, t2, यानी कि एलसीएम ऑफ दोनों फंक्शन का पीरियड कब होगा, अगर t1 by t2 रैशनल होता है, इज रैशनल, बट अगर t1 by t2 इरेशनल होता है तो वो क्या हो जाएगा, ए पीरियडिक हो जाएगा, यानी कि उस फंक्शन का पीरियड डिफाइंड नहीं होगा। कौन सा फंक्शन, जो नया फंक्शन आएगा, दैट इज fx प्लस gx और fx माइनस gx और प्रोडक्ट ऑफ fx एंड gx और डिवीजन ऑफ दैम। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब ये बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया कि फॉर्मूला बोल रहे हो दोनों का एलसीएम लेने के लिए, बट ये कहानी समझ में नहीं आ रहा। तो यही सब के लिए ना अपन बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं, वो क्लास 11 का शुरुआत में, बाकी पूरा दुनिया में तो सेट से शुरुआत होता है, पर अपन मेहनत करके बेसिक मैथ्स नॉट पढ़ाते हैं इसीलिए ताकि ये सारी चीज में अभी आकर के कोई दिक्कत ना हो। बट एज आप पढ़े नहीं हो मैं बेसिक मैथ्स, तो आपको मैं बता देता हूँ। अगर मैं पूछता हूँ आज कि 1/√2 और 1/√3 सॉल्व करने के लिए, तो क्या करेगा पता है, एलसीएम ले लेगा, √6 ऊपर लगा देगा, √3 + √2 का लब्ध। एलसीएम ऑफ टू इरेशनल क्वांटिटी कभी सोचा है उसके बारे में, इज इट डिफाइंड और नॉट, नॉट डिफाइंड, कब नॉट डिफाइंड है, हमेशा नॉट डिफाइंड नहीं होता है, कब नॉट डिफाइंड है, ये चीज सिखा के दे रहा हूं, सीख लो। एलसीएम ऑफ रैशनल कॉमन रैशनल, ओके नो प्रॉब्लम विद इट, समझ में आ रहा है। अगर फ्रैक्शन होता है तो समझ जाओ क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बाई बी कॉमा सी बाई डी कॉमा ई बाई एफ, ये क्या होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम हो जाता है ना, और डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है, एचसीएम हो जाता है। और ये भी आपको पता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स into HCF of two numbers or product of the numbers के equal हो जाता है। ये सारे basic कहानी आपको पता है। But जब बात आता है LCM of rational और irrational का, तो आप फंस जाते हो, क्यों, क्योंकि आपने कभी सोची नहीं। ये क्या है? This is not defined. Two और root three क्या इसका LCM possible है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर 1/2 + 1/√3 solve करने देता है, तो 2√3 LCM ले लेता है, जो कि गलत है, जो कि गलत है, दिमाग में घुसा, गलत करके आया इतना नहीं। बोले सर एलसीएम ऑफ इरेशनल और इरेशनल क्या होगा, एलसीएम ऑफ इरेशनल इरेशनल डिफाइंड होगा, कब होगा, जब दोनों इरेशनल क्वांटिटी सेम प्रकार के होंगे। क्या बोला मैंने, जब दोनों इरेशनल क्वांटिटी सेम प्रकार के होंगे, कहने मतलब अगर एलसीएम ऑफ √2, √3 पूछा जाए तो दे आर नॉट सेम सर्ड, सर्ड समझता है ना, रूट क्वांटिटी को अपन सर्ड बोलते हैं, तो ये सेम सर्ड नहीं है, इसीलिए नॉट डिफाइंड। अगर यहां पे √2 और √3 पूछते तो मैं बोलता दोनों सेम सर्ड है, यानी कि दोनों सेम टाइप ऑफ इरेशनल क्वांटिटीज है, दैट्स व्हाई देयर एलसीएम मस्ट बी डिफाइंड एंड द एलसीएम विल बी 3√2। जैसे जब डिफाइंड है तो जैसे करते हो वैसे करो, √2 से डिवाइड होगा 1/3 आएगा, प्रोडक्ट करते 3/2 आता है। समझ में आ रहा है। अगर मैं पूछा एलसीएम ऑफ पाई और 3π, तो आप बोलोगे 3π बिकॉज दे आर सेम इरेशनल क्वांटिटी, तब एलसीएम डिफाइंड होगा। अगर मैं पाई और 3π स्क्वायर पूछ लेता हूं, पाई अलग टाइप ऑफ इरेशनल है, 3π स्क्वायर अलग टाइप ऑफ इरेशनल है, एलसीएम नॉट डिफाइंड। रैशनल और इरेशनल का एलसीएम कभी भी डिफाइंड नहीं होता है, इरेशनल इरेशनल का एलसीएम भी कभी भी डिफाइन नहीं होता है, अगर दोनों अलग टाइप ऑफ इरेशनल क्वांटिटी से, बट अगर दोनों सेम काइंड ऑफ इरेशनल है तब वो क्या हो जाएंगे, डिफाइंड हो जाएंगे। इसीलिए बोला गया यहाँ पे देखना लाए, एलसीएम ऑफ t1, t2 कब होगा आंसर, जब t1/t2 रैशनल होगा। अगर दोनों सेम काइंड ऑफ इरेशनल क्वांटिटी होता है ना, तब t1/t2 जैसे ही करेगा देख पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा, बट इस जगह पे t1/t2 इरेशनल रैशनल नहीं आएगा, पाई और पाई स्क्वायर कैंसिल होकर पाई बचा रहेगा, यहाँ पे √2, √3 कैंसिल होकर के कुछ आएगा क्या, t1/t2 इज नॉट रैशनल। समझ में आया, एलसीएम ऑफ ए बाई बी, ये चीज याद रख, ऊपर ऊपर सीख के आता है सब कुछ, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू सी तभी होता है जब सी बाई ए और सी बाई बी दोनों का वैल्यू क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए।
समझ में आ रहा है, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, इतना सा याद रहा कि एलसीएम ऑफ T1 कॉमा T2 कितना कब होगा, जब T1 बाय T2 रैशनल होगा, दैट इज या तो दोनों दोनों रैशनल होगा, ये T1 बाय T2 रैशनल कब हो सकता है, जब दोनों रैशनल होगा, या फिर दोनों सेम काइंड ऑफ इरेशनल होगा, ताकि वो सेम काइंड ऑफ इरेशनलिटी कैंसिल होकर के रैशनल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि पाई 3 पाई √2 √3 √2 इस प्रकार से, √2 √3 √3 π/3π स्क्वायर अगर होगा इस प्रकार से तो नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? तो बोलोगे सर ज्ञान तो बहुत बार दिया लेकिन ये कैसे सॉल्व करोगे बताओ, यहाँ पे अगर एलसीएम नहीं लोगे तो ये सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते, गधा पहले बना इसके लायक, कैसे बनाएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये √2/2 हो जाएगा, और इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो √3/3 हो जाएगा, लो अभी तो बन गया ना डिनोमिनेटर रैशनल, अभी ले लो एलसीएम काम तमाम, अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो ये कर दो ना कि √3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √3/√6, और इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √2/√6, अभी भी तो ये सेम टाइप ऑफ इरेशनल बन गया, अभी एलसीएम ले सकते हो √6 से एलसीएम, बट इस जगह पे नहीं कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करो आंसर सेम आएगा, जो कि इसके पहल नहीं होगा, ठीक है? तो जितना भी जिंदगी में सीखते हैं ना एलसीएम से बाहर जाकर के सीख रहे हो, तो जितना भी जिंदगी में सीखते हैं ना उतना ही बचा रहता है सीखने के लिए, ये चीज याद रखिएगा। खैर ये हमारा टॉपिक से मतलब नहीं है, टॉपिक से तो मतलब है इस बात का, बट उतना डीप में जाने का मतलब नहीं है, खैर जितना कहानी है सब कुछ बता दिया, उसके बाहर कुछ नहीं है, इतना अगर आता है खुश रहे और सोचने का जरूरत है, क्यों होता है अभी नहीं बता सकता, डिटेल बहुत डेप्थ वाला मैथ्स का टॉपिक है, नंबर थ्योरी का एप्लीकेशन है, ठीक है, अभी नहीं बता सकता, इतना याद रखिए काम हो जाएगा, ठीक है? रेस कर रहा हूं आगे का कहानी देखते, तो टॉपिक कहां था, टॉपिक से दूर चलेगा अपन, टॉपिक कहां था, टॉपिक ये था कि अगर हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका पीरियड T1 है, यानी कि वो पीरियडिक है उसका पीरियड T1 है, GX एक फंक्शन है जिसका पीरियड T2 है, फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो FX प्लस माइनस GX, FX इनटू GX, FX बाय GX, ये सब का पीरियड अपन निकाल सकते हैं कैसे, LCM ऑफ पीरियड ऑफ बोथ द फंक्शन से, समझ में आ रहा है? ये कब होगा डिफाइन, जब T1 बाय T2 एक रैशनल क्वांटिटी होगा तभी डिफाइन होगा, अगर T1 बाय T2 एक इरेशनल क्वांटिटी हो गया तब वो डिफाइन नहीं होगा, मेरे बात समझ में आ रहा है ना? अभी आगे देखते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा पहले एक आप एग्जाम्पल करा रहा हूं, यहां पर मैंने 5 एग्जाम्पल लिख के रखा ना, ये लास्ट वाला कराता हूं, एफ एक्स क्या है, मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ 2x/3 प्लस 10 ऑफ 3x/5, ठीक है? यहां पर काफी क्लियर है, कैसे निकालेंगे इस फंक्शन का पीरियड, सबसे पहले क्या ऐसे करेंगे कि पीरियड निकालना है, टी निकालना है, तो हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, समझ में आ रहा है ना, तो मॉड्यूलस ऑफ साइन 2/3 इंटू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू, सॉरी साथ में तो 10 भी है, एक और नलायक है, तो x प्लस टी इज इक्वल टू दैट एफ एक्स करके सॉल्व करके t निकालोगे, अगर ऐसे करना चाहते हो तो आप करो, हमारे यहाँ पे मत आओ, ठीक है, हमारा दिमाग खराब मत करो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना? चलो तो अभी हम करें कैसे, करें कैसे, ऑब्वियस चीजें जो पॉइंट्स सीखे हैं इतना देर मेहनत करके, इतना कुछ पसीना पसीना हालत खराब हो गया, ठीक है, तो उस चीज को अप्लाई करेंगे, देखते कैसे अप्लाई करते है ना, देखते कैसे अप्लाई करते, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ 2x/3 प्लस 10 ऑफ 3x/5, सोचने का कोशिश कर कि ये जो फंक्शन आया ये कहां से आया, मैं अगर सोचता हूं तो मैं ऐसे सोचूंगा कि सर मॉड ऑफ साइन एक्स जो था ना उसका पीरियड तो आपको पता था, और यहां पे मॉड ऑफ साइन एक्स से यहां पे उन लोगों ने 2/3 से एक्स को मल्टीप्लाई किया, तो बोले सर मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड आपको पता है, हाँ पता है, क्या था, पाई था, सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मॉड लगा देते तो पीरियड क्या हो जाता है, पाई होता है, 2 पाई नहीं होता है, क्योंकि माइनस को एडजस्ट कर देना मॉड्यूलस, बताया था थोड़ी देर पहले, अभी मैंने बोला था आउटपुट अगर साइन एक्स प्लस 2 होता या फिर साइन एक्स प्लस 3 होता या फिर 2 sin x होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट एक्स का कोफिशिएंट चेंज हुआ तो पीरियड में इफेक्ट होगा, और कैसे होता है वो, टी बाय मॉड ए, इफ एफ ऑफ एक्स चेंजेस टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी देन पीरियड बिकम्स टी बाई मॉड ए, याद है ना, तो यहां से टी बाई पाई बाई टू पाई डिवाइडेड बाई 2/3 तो ये हो जाएगा 3π/2, तो इस फंक्शन का पीरियड निकल आया कितना, 3π/2। अब इसके बारे में सोचते हैं, 10 का पावर क्या है, ऑड है, अभी 10 का पावर ऑड रहे या फिर इवन रहे
टेन का पीरियड हमेशा क्या होता है, पाई होता है। टेन का पावर इवन रहे या फिर ऑड रहे, या फिर तो टेन टू दी पावर वन है ना, तो ऑड है तो पीरियड क्या होगा, ऑड हो इवन हो पावर क्या पीरियड क्या है, पाई है। बट पाई से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि एक्स के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो गया। मैंने बोला था पीरियड तभी इफेक्ट होता है जब एक्स के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो गया यहाँ पे, पाई डिवाइडेड बाई थ्री बाई फाइव, यानी कि इसका पीरियड हो गया फाइव पाई बाई थ्री। तो ये फाइव पाई बाई थ्री इंटरवल बाद रिपीट करेगा अपने आप को, वो छोटा इंटरवल, और ये हो गया थ्री पाई बाई थ्री। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो अभी जो इन दोनों का, अभी तो मुझे इन दोनों का पीरियड थोड़ी ना निकालना था, नहीं, मुझे तो ऐसा एक फंक्शन का पीरियड निकालना था जो इन दोनों का सम है। तो इन दोनों का सम का पीरियड निकालने के लिए मैंने पहले इन दोनों का पीरियड निकाला, और अभी इन दोनों का सम का पीरियड कैसे निकालूंगा, एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम। बट पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों का एलसीएम डिफाइंड होगा या नहीं होगा। कैसे पता चलेगा, टी वन बाई टी टू कर देख, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर रेश में आ जाएगा, आएगा ना, एक है थ्री पाई बाई टू और दूसरा है पाई पाई बाई थ्री, तो टी वन बाई टी टू क्या है, पाई पाई कैंसिल होकर रेशनल आएगा ना, तो एलसीएम डिफाइंड है। अगर एलसीएम डिफाइंड है तो ये फंक्शन पीरियडिक होगा, और उसका पीरियड क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का एलसीएम टू थ्री पाई और फाइव पाई का एलसीएम क्या है भाई, 15 पाई होगा, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ, टू और थ्री का एचसीएफ कितना है, वन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 पाई। यानी कि इस फंक्शन का जो पीरियड है वो है 15 पाई, यानी कि वो छोटा से छोटा इंटरवल, जिस इंटरवल के बाद ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कराना स्टार्ट करेगा, वो इंटरवल का लेंथ कितना होगा, 15 पाई होगा। अगर इसका ग्राफ बनाने का क्षमता है, मुझे तो नहीं है, अगर तेरे पे है तो बना, और बना करके इसका ग्राफ जब ऑब्जर्व करेगा तो ये देखोगे कि 15 पाई इज द पीरियड ऑफ फंक्शन, यानी कि फंडामेंटल पीरियड। समझ में आ रहा है, कहानी क्लियर है यहां तक, है ना। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आप इस चीज को समझे होंगे, है ना। अभी हम अपना आगे का कहानी की ओर देखते हैं, नेक्स्ट चीजों में क्या लिखा गया है, और उन सबको समझने का कोशिश करते। अगला वाला जो है ना, वो एक प्रकार का एक्सेप्शन मान सकते हैं। बोले सर मैथमेटिक्स में एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में तो सुना था, क्यों, क्योंकि उसका एक्सेप्शन तो होता नहीं, खैर केमिस्ट्री में भी, बट मास्टर लोग बना देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मतलब उसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि उन सबका रीजन जो है प्रॉपरली अंडर ग्रेजुएशन में मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलता है, बट आई टी अभी पूछ लेता है, एक लॉजिक से पूछता है आई टी, बट या फिर ज्यादा पढ़ा दिया जाता है कोचिंग से तो एक्सेप्शन बन जाता है, ठीक है। तो बट मैथ्स में एक्सेप्शन, हाँ सर एक्सेप्शन पहला बार मिल रहा है और आखिरी बार मिल रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार का एक्सेप्शन, इस रूल में थोड़ा सा एक्सेप्शन, कहानी क्या है समझाते, बोलता है कि इन सब का पीरियड ना जो एलसीएम होगा उससे भी छोटा पॉसिबल हो सकता है, यानी कि हैज पीरियड एज के इफ एफ एक्स एंड जी एक्स कैन बी इंटरचेंज बाई एडिंग ए लीस्ट पॉजिटिव नंबर के। बोले सर ये सब अंग्रेजी समझ नहीं आता है, तरीके से समझाओ तो समझ जाएगी, ठीक है। तो चलो समझाने का कोशिश करते हैं। एफ एक्स, ये पहला वाला एग्जांपल उठा देते हैं, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर। चलो तो अगर मैं बात करूं मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स का, तो आप क्या सोचोगे, सबसे पहले अपना ये पहला रूल लगा देते हैं। आप बोलोगे सर इसका पीरियड, मैं बोलूंगा पाई। सर इसका पीरियड, मैं बोलूंगा पाई। तो दोनों का सम का पीरियड सर, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या दोनों का डिवीजन रैशनल है, हाँ बिल्कुल रैशनल है, वन आएगा। तो दोनों का आंसर, इस पूरा एफएक्स का जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, दैट इज पाई और पाई का एलसीएम कितना होगा, पाई। तो इसका पीरियड हो गया पाई। बट मैं आपको बोल रहा हूं क्या कहानी हो रहा है, पाई को मैं विजुअलाइज कराता हूं कैसे पाई हो रहा है यूजिंग एनालिटिकल मेथड। देख एफएक्स को एक्स प्लस पाई रखा, दैट इज एक्स प्लस टी। यहां पे क्या आ रहा है, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई। समझ में आया, तो ये क्या बन गया, माइनस कॉस एक्स। क्या बात कर, तब माइनस साइन एक्स होगा, और ये क्या बात कर, माइनस कॉस एक्स। अभी थर्ड क्वाड्रेंट है ना, पाई प्लस, हाँ दोनों ही निगेटिव होते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस को बचा लिया किसने, मॉड ने। अगर मॉड नहीं होता तो दोनों का पीरियड टू पाई होता, क्योंकि माइनस को बचाने वाला कोई होता ही नहीं, कोई होता ही नहीं। तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो इस प्रकार से इसका पीरियड पाई हो गया। अभी मैं बोलूंगा कि जनाब जो आपका पीरियड आया, आप हमेशा सर्च मारो उससे भी छोटा पीरियड पॉसिबल हो सकता है। बोलोगे सर उससे तो छोटा, हजारों इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, हम कहां पे चेक करें। मैं बोलूंगा
कि आप उसका आधा पे चेक करो, अगर नहीं हो रहा है तो उससे भी आधा पे चेक करो, फिर छोड़ दो। कब छोड़ना है आपको समझ आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो मैं इसका आधा पे चेक करता हूं, पाई बाई टू। देख कहानी क्या हो रहा है, एक्स प्लस पाई बाई टू, एफ एक्स के इक्वल आ गया था ना, इसीलिए पीरियड पाई हाफ ऑफ एक्स प्लस इक्वल टू एफ एक्स। पाई बाई टू पे चेक करें तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स। तो ये भी क्या हो गया, एफ एक्स हो गया ना, तो देखा इसका पीरियड क्या हो गया, पाई बाई टू। बोले सर पाई के साथ साथ टू पाई थ्री पाई ये सब के सब इसका पीरियड तो होगा, समझ में आ रहा है, बट लीस्ट पीरियड तो अभी तक पता चल रहा था इसी फॉर्मूले से पाई, बट अभी हमने निकाल दिए कि लीस्ट पीरियड और भी छोटा पॉसिबल हो रहा है पाई बाई टू, ये तो गजब का हो गया भाई, नहीं आ रहा है, समझ में आया मेरी बात? तो पाई तो अभी तक फॉर्मूले से आ रहा था बट उससे भी छोटा पॉसिबल दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, पाई बाई टू भी सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स वाला कंडीशन, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे पे क्या है, इंटरचेंजेबल है। अगर मॉड साइन एक्स अकेला होता तो काम नहीं चला पाता, अगर मॉड कॉस एक्स अकेला होता तो कुछ उखाड़ नहीं पाता, बट दोनों एक दूसरे के साथ है इसीलिए एक दूसरे को हेल्प कर दिया, समझ में आया, ये इंटरचेंज होके उसमें चला गया, ये इंटरचेंज होके उसमें चला गया, कहानी तो बराबर है ना, अगर बीच में माइनस लगा दो तो कहानी बराबर नहीं है, समझ में आ रहा है ना, अगर बीच में माइनस लगा देते तो पीरियड पाई ही रहेगा, बट अभी इंटरचेंज हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में पास प्लस है वही तो लिखा गया, इफ एफएक्स एंड जीएक्स कैन बी इंटरचेंज्ड बाय एडिंग अ लीस्ट पॉजिटिव नंबर के, वेयर के इज लेस देन द एलसीएम दैट इज पाई बाय 2, देन द पीरियड विल बी, समझ में आया ना, पाई बाय 2। आप बोलोगे सर ये तो बहुत गलत बात हो गया, आपको पता था पहले से आंसर, तो आपने आधा करके सोच लिए, हम कैसे सोचे, बोल तो रहे आधा करके सोच, पाई से छोटा पाई बाई टू पे तोड़ लेते, पाई से छोटा थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर पे अगर सोचेगा तो क्या सोचेगा भाई, देख ले थ्री पाई बाई फोर जैसे ही आएगा तो ये साइन ये प्लस बी का फंडा लग करके ब्रेक हो जाएगा, साइन थ्री पाई बाई फोर वन बाई रूट टू वगैरह आ जाएगा, तो ये तो कभी एफ एक्स के बराबर आने का चांस ही नहीं बनता है ना, नहीं आ रहा है, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये सबसे ही तो पॉसिबल होगा, आप सोच के देखो ना, अगर पाई बाई फोर जैसे इससे भी आधा अगर चले जाते पाई बाई फोर में, तो f ऑफ x प्लस पाई बाई फोर जैसे ही लगाऊंगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होकर के तुझे एफ एक्स के इक्वल आ ही नहीं सकता है कभी, वन बाई रूट टू साइन एक्स वन बाई रूट टू कॉस एक्स ये सब अनाप शनाप क्या क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो वो तो एफ एक्स के इक्वल आ ही नहीं सकता, मतलब पाई बाई फोर तो लीस्ट पीरियड हो ही नहीं सकता, पाई बाई फोर इंटरवल ग्राफ तो ग्राफ अपने आपको रिपीट करा ही नहीं सकता, समझ में आया, कहने का मतलब है कि आप हमेशा ये रूल तो काम चल जाता है, सम साइन सम ऑफ टू फंक्शंस प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन में ये लगभग पूरा पूरा सही हो जाता है, बट जब भी प्रोडक्ट रहेगा या फिर इस प्रकार से मॉड्यूलस वगैरह रहेगा तो आप हमेशा, मैं बोल रहा हूं आप पहले फॉर्मूले से निकालो, बाउंड्री कंडीशन कहां से पता चलेगा, फॉर्मूले से अगर नहीं निकालेगा एलसीएम ऑफ टी1 कॉमा टी2 अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर टी1 बाय टी2 रैशनल है तो उससे निकाल के उससे आधा जो है उसमें भी चेक कर, उससे भी जो आधा है उसमें चेक कर, मतलब सर्च फॉर न्यू पीरियड विच इज लेस देन द ओरिजिनल वैल्यू, समझ में आया, दैट इज फाइन। हम क्या करेंगे, हमेशा निकालने के बाद सर्च मारते जाएंगे क्या उससे भी छोटा पॉसिबल हो सकता है फंक्शन का, क्या पता ये इंटरचेंजेबल तो नहीं हो रहा है, एक दूसरे को बचा तो नहीं रहे ना, अगर यहां पर माइनस होता तो बचा नहीं पाता दोस्त, समझ में आ रहा है ना, ये मॉड कॉस एक्स माइनस मॉड साइन एक्स हो जाता काम तमाम वहीं पर, समझ गए मेरी बात, नहीं है ना, ये मॉड कॉस एक्स माइनस मॉड साइन एक्स होकर के काम तमाम, फंक्शन पीरियडिक नहीं होता ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स के बराबर आता है, बट हमें पीरियडिक होने के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर चाहिए, तो नहीं होगा यहां पे, समझ आ रहा है मेरी बात, नहीं होगा, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता है तो क्या है ना, कहने का मतलब है कि आप फॉर्मूले से निकालो, किसी भी फंक्शन का पीरियड निकालने बोल रहा है फॉर्मूले से निकालो, निकालने के बाद सर्च करो, क्या पता उससे छोटा एग्जिस्ट कर रहा है, क्या पता इंटरचेंजेबल हो, पावर इवन हो जाए, बीच में प्लस रह जाए, एक दूसरे को एडजस्ट कर दे, हाथ में हाथ मिला करके इधर उधर हो जाए, आपको क्या पता अंदर क्या चल रहा है, सर्च मारो, फॉर्मूले से निकालो उसका आधा, और हमेशा सब मल्टीपल में ही चेक करोगे, क्या बोला, सब मल्टीपल आधा भी चेक करो, समझ में आ रहा है, बाकी फालतू जगह में सोच के फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने लॉजिक बोल दिया, देख पाई बाई फोर थ्री पाई बाई फोर देख करके फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, एफ एक्स आने का तो सवाल ही नहीं है, क्लियर है,
चल देखते और थोड़ा बहुत देखते समझ जाएंगे धीरे धीरे। देखो और कुछ एग्जांपल लेते, ये हो गया, ये हो गया, इसको ले लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एफ एक्स, क्या दे रखा है मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, समझ में आ रहा है क्या आपको, समझ में आ रहा है या नहीं? बोले सर इस प्रकार के कहानी तो नहीं दिखाए, मॉड साइन एक्स दिखाए, मॉड कॉस एक्स दिखाए, बट मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो आपने नहीं दिखाए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और इस प्रकार से भी नहीं बोले, अगर मॉड नहीं होता तो इसका टू पाई दोनों का एलसीएम टू पाई बोल देते, बट यहां पर तो बाहर मॉड्यूलस लगा हुआ तो कैसे चेक करें सर? मैं बोला सर से मारो ना टू पाई लेकर के, क्या दिक्कत है? आपको पता है इन दोनों का अंदर का पीरियड टू पाई है तो पूरा पीरियड टू पाई तो होगा, मॉड्यूलस थोड़ी ना पॉजिटिव को चेंज करता है, और अगर नेगेटिव है तो भी तो बचा लेता है मॉड्यूलस, तो आप टू पाई प्लस एक्स पे चेक मारो। चेक मारो तो क्या साइन टू पाई प्लस एक्स बाई साइन एक्स ही आएगा, ऑब्वियसली कॉस एक्स आएगा, मतलब टू पाई तो पीरियड कंफर्म है, टू पाई अभी तक का लीस्ट पीरियड, फंडामेंटल पीरियड अभी तक का टू पाई, उससे ज्यादा तो हो ही सकता है, उससे ज्यादा कौन बात कर रहा है, उससे ज्यादा तो पता नहीं हजार हो सकता है, ठीक है ना, इनफाइनिट होगा, हम तो लीस्ट ढूंढ रहे, लीस्ट फंडामेंटल ढूंढ रहे, समझ में आ रहा है ना, बार बार बोलने पर मजबूर होते हैं, ठीक है, तो ये मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गए, ठीक है। अभी सोचते हैं कि उसके आधा क्या पॉसिबल है, और जो नालायक है वो सोचेगा थ्री पाई बाई टू पे, चलो उसके लिए भी बता देते एक बार, बोलेगा सर थ्री पाई बाई टू पे क्यों नहीं सोच रहे हो, क्योंकि टू पाई और पाई के बीच में तो थ्री पाई बाई टू भी आता है, तो देख लेते एक बार उसका बात सुन कर ले, क्यों, क्योंकि यहां पे साइन कॉस है एक दूसरे पे इंटरचेंजेबल हो सकता है, हो सकता है तो सोच लेते ना, बट पाई बाई फोर में मत सोचने बैठा ना, क्यों, क्योंकि इतना सा अंदाजा दिमाग में होना चाहिए, इतना खाली दिमाग है लेकर के नहीं घूमना चाहिए भाई, कि इतना सा भी समझ नहीं आए कि पाई बाई फोर डालेंगे तो ए प्लस बी फॉर्मूला लगेगा, ए एस टी सी नहीं लगेगा यहाँ पे, और ए प्लस बी लगेगा, रूट टू वगैरह आ जाएगा, पूरा फंक्शन का चेहरा ही बदल देगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हो सकता है कभी कुछ ऐसा कुछ बन जाए कि एडजस्ट वगैरह होकर के रूट टू वगैरह भी कैंसिल हो जाए, बट प्रॉब्लिटी नहीं, मैंने अपनी सीलिंग में नहीं देखा, अगर आपको मिलता है दिखाइएगा, और मेरे को जिस दिन मिलेगा मैं दिखाऊंगा, थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स डालो, साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स, साइन थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है भाई, 270 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो मजा लेगा, ये सजा लेगा, ठीक है, दोनों ही चेंज होगा, एक का कॉस एक्स हो जाएगा बट ये नेगेटिव हो जाएगा और ये साइन एक्स हो जाएगा, तो लो हो गया ना, बाबा जी का टुल्लू दे, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आना चाहिए था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया, मतलब ये तो उसका पीरियड हो ही नहीं सकता है, थ्री पाई बाई, समझ में आ रहा है, चल तो अभी कहां पे सर्च मारेंगे भाई, बोलना पाई पे मारेंगे, पाई पे, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, तो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, थर्ड क्वार्टर होता है ना, दोनों ही नेगेटिव होता है, माइनस साइन माइनस कॉस, दोनों मुसीबत में मॉड्यूलस समझौता कर लिया, मैं बचाऊंगा दे दे मेरे को पैसा, नहीं आ रहा है मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया एफ एक्स, देखे ना, तो लीस्ट पॉसिबल पीरियड उससे भी छोटा पॉसिबल हो गया, इस प्रकार की चीजों को हम एक्सेप्शन नाम देते हैं, जिसके पीछे लॉजिक तो है बट उस फॉर्मूले में कुछ रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से ये सब चीजें को एक्सेप्शन बोलना होता है, बट पाई हो गया, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है पक्का, और भी छोटा अगर सच मानना चाहते हैं तो मान लो पाई बाई टू पे मान लो, बट पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस एक्स तो हो जाएगा, बट कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो वही प्रॉब्लम आ जाएगा जो थ्री पाई बाई टू पे आ रहा था, और पाई बाई टू से हाफ तो मत करो, करो ही मत, पाई बाई फोर पाई बाई एट कर करके फंसोगे क्या, साइन पाई बाई एट प्लस एक्स साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, तो अभी तक हमारा जो भी जज किया गया उससे क्या पता चला कि इसका पीरियड जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार जहां पे भी मॉड्यूलस आता है या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है वो सारे कहानी पे आप थोड़ा सा होशियार रहिएगा, और जब भी आप अपना फॉर्मूले से पूरा एल्गोरिदम से आप निकालेंगे ना पीरियड, और पीरियड निकालने के बाद हमेशा दिल पे एक बात रखिएगा कि मेरा आंसर गलत होने का पूरा पूरा चांस है, क्यों, क्योंकि मैंने ये वाला चीज नहीं सोचा, क्या पता अगर ये सोच लेता तो मेरा आंसर सही हो जाता, तो एक बार सोच के देख लेना सही हो जाएगा, अगर कुछ मिल रहा है तो उसको टिक लगा देना, अगर नहीं मिल रहा है
तो जो आया फॉर्मूले से वही हो जाएगा पीरियड। समझ में आया ना, क्लियर है? तो ये भी देख लिया अपन ने। अब ये देख लेते प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है? देख कोई बच्चा बोलेगा सर आपने बोले एफ एक्स का पीरियड 2π, जी एक्स का पीरियड 2π, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का पीरियड एलसीएम ऑफ t1 t2 से निकाल दो। अगर t1 बाई t2 रेशनल है, t1 बाई t2 रेशनल है तो एलसीएम क्या आ रहा है सर 2π आ रहा है। बट ऐसा नहीं होगा दोस्तों, बुरा मत मानिए। क्यों? हाफ लगाइए 2 लगाइए अंदर, समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया हाफ ऑफ साइन 2x। अभी साइन एक्स का पीरियड अगर 2π है तो साइन ए एक्स प्लस बी का पीरियड टी बाई मॉड ए हो जाता है, यानी कि इसका पीरियड कितना आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और आप देख भी सकते हैं क्यों, क्योंकि पाई प्लस एक्स डालेंगे तो भी ये माइनस होगा और ये माइनस आएगा, तो ये 2 माइनस आएगा तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? बट अगर मैं और भी आधा करता हूं पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, दोनों अगर माइनस हो गया तब दोनों एक दूसरे के साथ समझौता कर लेगा और वही हो रहा है यहां पर। देखना पाई प्लस एक्स डालते हैं 2π में तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है और पाई प्लस एक्स में दोनों नेगेटिव आ रहा है, तो अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स प्लस की एफ एक्स के बराबर आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। दैट इज एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, दैट्स व्हाई पीरियड इज पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला से जो निकालोगे वो तो उसका पीरियड होगा ही, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन हो जाता है जहां पे फॉर्मूला से जो आता है वो उसका पीरियड तो होता है बट फंडामेंटल नहीं होता है, लिस्ट नहीं होता है। उसके लिए हमें और लिस्ट ढूंढना पड़ता है, वो किस किस वैल्यू पे सर्च मारे उसका जस्ट आधा आधा वैल्यू पे सर्च मारे। पाई अगर आया है फॉर्मूले से तो पाई बाई 2 पाई बाई 4 पे देखे, उससे ज्यादा मत जाइए क्योंकि फंक्शन देख करके ही पता लग जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि क्या फंक्शन का चेहरा बदलने वाला है। अगर बदलने वाला है तो बात चेक करिए, अगर नहीं बदलने वाला है सिर्फ प्लस माइनस होने वाला है तो चेक कीजिए। ठीक है, अगर 2π है तो पाई पाई बाई 2 पाई बाई 4 तक देखिए, उसके बाद और देखने का जरूरत नहीं क्योंकि x अगर रहता है तो x प्लस पाई बाई 8 चेंज ही नहीं होगा ना। बट अगर साइन के अंदर x की जगह पे 8x रहता है अब तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 8x x प्लस पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, पाई प्लस 8x होगा ना, तो ये तो प्लस माइनस पे चेंज होगा। बट तब के लिए हम पाई बाई 16 तक भी देख सकते हो, क्योंकि तब पाई बाई 16 अगर मैं देखू तो क्या देखूंगा, पाई बाई 16 प्लस x अगर देखू देखना क्या दिख रहा है, पाई बाई 2 प्लस 8x दिख रहा है ना, ये तो सिर्फ कॉसेक एटक्स में जा रहा है, ये तो इंटरचेंजेबल हो सकता है। बट पाई बाई 32 में जो देखेगा वो नलायक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पाई बाई 4 प्लस 8x आएगा और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होकर 1/√2 वगैरह आ जाएगा जो कि पूरा पूरा फंक्शन को ही बदल देगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं बहुत प्यार प्यार से और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया, पता नहीं समझा पाए या फिर नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कीजिएगा, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो मैं भी महान और आप भी मुझसे भी बड़ा महान। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या है। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी तक अगर आइडिया लगा है कि ऊपर वाले फंक्शन का पीरियड निकालते इसका पाई इसका पाई दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, नीचे वाले का लगाते हैं, नीचे वाले का भी क्या आया था, अभी निकाला था ना पाई। अभी एफ एक्स बाई जी एक्स का एलसीएम निकालेंगे तो t1 आया t2 आया t1 बाई t2 रेशनल है तो क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा पाई हो जाएगा आंसर। बट क्या उससे भी छोटा पॉसिबल है, देखना पड़ेगा उससे भी छोटा पॉसिबल है या नहीं, देखते हैं। पाई बाई 2 में सर्च मारते, पाई बाई 2 में अगर सर्च मारेंगे तो ये तो ओके है, इसका पीरियड पाई बाई 2 हो सकता है, बट ये चेंज होगा या नहीं होगा पाई बाई 2 में, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या बन जाएगा कॉस एक्स बन जाएगा, और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स बन जाएगा। तो ये हाथ ऊपर कर देगा, बोलेगा मैं पाई बाई 2 पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाई बाई 2 को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम भले कर लो मैं नहीं कर सकता, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो ओवरऑल फंक्शन कभी भी तैयार नहीं होगा पाई बाई 2 को एक्सेप्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से इस फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स प्लस पाई हमें क्या मिल रहा है एफ एक्स मिल रहा है, बट एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 एफ एक्स नहीं मिल रहा है इस माइनस के वजह से, इस नलायक के वजह से। समझ में आ रहा है? क्लियर है पक्का? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, और
ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया आपको और दोनों का रेशियो ले लिया, तो इसका पीरियड आपको ऑलरेडी पता था पाई बाई टू, इसका पीरियड ऑलरेडी पता था पाई, तो दोनों का आप अगर एलसीएम ले लेते तो हो जाएगा काम। दोनों का एलसीएम क्या होगा, पाई और पाई का एलसीएम पाई हो जाएगा और टू और वन का एचसीएम हो जाएगा वन, आंसर क्या है पाई, और वही आ रहा है ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप सोच सकते हो ये हो गया, ये सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, एक्सेप्शन वगैरह क्या आता है पीरियडिक फंक्शन में, इस फॉर्मूले में वो सब कुछ बता दिया ठीक है। अब पहले मुद्दे का काम है, जब भी दो तीन फंक्शन का आपको प्रोडक्ट या फिर सम या फिर डिवीजन दिया जाएगा मॉड्यूलस वगैरह लेकर के, कुछ भी हो मॉड्यूलस रहे या फिर ना रहे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अपना फॉर्मूले से पीरियड निकालोगे और फिर हमेशा होशियार रहोगे, क्या पता उससे ज्यादा तो नहीं उससे कम पीरियड हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो उसका आधा वैल्यूज में आप चेक करते जाओगे जब तक आपको ये ना फील आ जाए कि फंक्शन का चेहरा ही बदलने वाला है। समझ में आया, अगर आता है उससे छोटा तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है उससे छोटा पीरियड तो जो फॉर्मूले से आया वही पीरियड ठीक है। तो हम अगला वाला देखते हैं, 10 के बाद देखो 11 पे क्या लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ ऑल एल्जेब्रिक फंक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट। एल्जेब्रिक फंक्शन देखते हैं रूट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस फाइव, ये सारे के सारे पीरियड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि तुमको पता है कि ऐसा कोई एक्स प्लस टी ढूंढ के निकाल लो जो रूट ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू रूट एक्स हो जाता है, वो टी का वैल्यू आपको जीरो मिलेगा और जीरो कोई फंडामेंटल पीरियड होता ही नहीं है। समझ में आया ना, जैसे इन टू दी पावर एक्स के केस में बोला था, तो इस चीज को याद रखो, कभी भी किसी भी ऑप्शन में अगर पीरियड ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन दिख जाता है तो उसको टोटली क्या बोल दो, नॉट डिफाइन, दैट इज ए पीरियडिक फंक्शंस, द फंक्शंस व्हिच आर नॉट पीरियडिक आर नोन एज ए पीरियडिक फंक्शंस ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सारा कहानी जो है ओवरऑल पीरियडिक फंक्शन का जितना भी थियरी है और जितना भी कंसेप्ट है उसको मैंने कवर कर दिया ठीक है, ए टू जेड इन डिटेल में बिना कुछ स्किप किए सारे चीज एक एक पॉइंट मैंने इन डिटेल में कवर कर दिया। अभी बारी आता है क्वेश्चन का, ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं और अभी और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाकी जो भी क्वेश्चन है देखते हैं। अच्छे से पढ़ लेना भाई, सवाल वगैरह कर लेना अच्छे से ठीक है, बहुत काम का चीज है ये सब। अभी अगर सोचोगे पीरियडिक फंक्शन पीछा छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, डेफिनेट इंट्रीगेशन में वापस पकड़ेगा आपको ठीक है, तब तो बोर्ड में पकड़ेगा, बोर्ड में तो रटा देगा आपको, बट अगर आप रटना नहीं चाहते हो तो अभी समझ जाओ। चलो तो कुछ कुछ फंक्शन के मैं पीरियडिसिटी में चेक करा देता हूँ, एक्स बाई एक्स वो तो पीरियडिक है या नहीं बोलेगा, जैसे मेरे सामने तो है ही नहीं भाई, आदत हो गया बुरा मत मानिएगा। एक्स बाई एक्स सर क्या ये वन है, वन है तो ये पीरियडिक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन सर पीरियडिक, बट फंडामेंटल पीरियडिक आपको फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता है। नहीं जनाब इसका पीरियड नॉट डिफाइंड, बोले सर क्यों इधर भी एक्सेप्शन, नहीं नहीं इधर तेरा एक्सेप्शन था तूने देखने में गड़बड़ किया, ये फंक्शन पूरा पूरा वन है क्या, वन कब है जब एक्स नॉन जीरो है, बिकॉज एक्स जीरो पे ये इनडिटरमिनेंसी आएगा ना, तो पूरा पूरा आंसर क्या होगा इस प्रकार से होगा ना, एक्स इक्वल टू जीरो पे तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ में आ रहा है क्या, अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा ग्राफ, अगर बीच में ये रोक टोक नहीं आता है तब तो ये पीरियडिक हो जाता ना, समझ में आया, बट ये बीच में रोक आ गया, अभी कोई रिपीटेशन वाला इंटरवल मिल नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, अब बोलोगे क्या इधर वाला जो है वो उधर रिपीट हो गया, ऐसे तो नहीं बोल सकते हो, समझ में आया, इधर वाले पीरियड का जो लेंथ है वो क्या होगा, क्या बोलोगे इंफिनिटी बोलोगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो गया आपका ए पीरियडिक हो गया। बट अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स ना देकर के वन लिखा जाता तो आप पीरियडिक उसको बोलते, आप बोलोगे क्या सर क्या बोल रहे हो, एक्स बाई एक्स और वन इक्वल नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, याद कर फंक्शन का पार्ट वन आइडेंटिकल फंक्शन लेवल पर पढ़ाया था, क्या एक्स बाई एक्स और वन इक्वल है, नहीं है, बिकॉज डोमेन एंड डोमेन ऑफ बोथ द फंक्शंस आर नॉट इक्वल, दो फंक्शन इक्वल होने का मतलब क्या है, दोनों का डोमेन इक्वल होगा, रेंज इक्वल होगा और हर एक पॉइंट पे आउटपुट भी सेम होगा, यानी कि ग्राफ सेम होगा, सिर्फ डोमेन रेंज इक्वल होने से तो काम नहीं चलेगा ना, डोमेन रेंज कोडोमेन सबके साथ साथ क्या होना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे आउटपुट सेम होना पड़ेगा, दैट इज ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शन मस्ट बी सेम, बट वन सिर्फ वन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इक्वल टू वन का ग्राफ क्या है ये है, बट एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स का ग्राफ ये है, बट बॉक्स एक्स इक्वल टू जीरो तक वो डिफाइन नहीं है, तो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, ये पीरियडिक है ये पीरियडिक है, समझ में आ रहा है। और कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं भाई, जैसे क्या एग्जाम्पल लू आपके सामने, साइन एक्स बाई साइन एक्स बोल सकते हो, बोलोगे सर साइन एक्स बाई साइन एक्स भी तो वन होगा, बट कहां पे दिक्कत आएगा, जहां पे साइन एक्स जीरो हो जाएगा, साइन एक्स जीरो कहां पे होगा, जीरो पे होगा, फिर पाई पे होगा,
फिर 2π पे होगा, फिर 3π पे होगा, फिर -π पे होगा, -2π पे होगा, ऐसे चलता जाएगा और इनके बीच में एक लाइन खींचते जाओगे आप जो कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो आप पीरियडिक बोल सकते हो विद फंडामेंटल पीरियड कितना, समझ में आ रहा है, बट इसको नहीं बोल सकते, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। साइन एक्स बाई साइन एक्स इज पीरियडिक इन नेचर विद इट्स फंडामेंटल पीरियड एज 10x बाई 10x सिमिलरली आप कर सकते हो, ठीक है ना, पाई बाई 2 पाई हो जाएगा पीरियड। अगर मैं बात करूं sec square x minus tan square x का, कौन सा सर बोले, कौन सा सर, sec square x minus tan square x, क्या ये 1 के इक्वल है, बचपन में तो पढ़ा देता है, बट ये दोनों फंक्शन की जब अलग अलग, हाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बट ये दोनों फंक्शन की जब अलग अलग बात करूंगा तो दोनों इक्वल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे डोमेन में पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हटेगा बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हटेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या ये पीरियडिक है, हाँ पीरियडिक तो होगा बिकॉज इसका आंसर 1 तो आएगा, कौन सा वैल्यू हटेगा सर, पाई बाई 2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, ये सारे हटेगा, ठीक है। तो पाई बाई 2 से -π/2 के बीच में गैप कितना है, पाई है, ये पाई आ जाएगा इसका पीरियड, समझ में आ रहा है। अरे ये 1 क्या बोल दिया, ये गड़बड़ बोल दिया ना मैंने, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया ना, तो पाई हो जाएगा पीरियड, यहाँ पे भी पाई हो जाएगा, वन तो वैल्यू है, आउटपुट है, इंटरवल का लेंथ तो पाई है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हाँ जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड क्या होगा बोल दो, इसका पीरियड क्या होगा, वैल्यू तो इसका 1 के इक्वल है सर, ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है क्या, हाँ बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इसका तो पूरा पूरा 1 आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है, बट पीरियडिक तो होगा। ध्यान रखिएगा ये सब में, हाँ कोई कोई बोल देता है ना ये सब में, मैं पूछता रहता हूँ कभी कभी, तो चलो क्या बोल देता है, देखोगे कि जैसे इसका 2π है, इसका 2π है, सर T1/T2 रेशनल है, तो 2π/2π क्या होगा, 2π और 2π के एलसीएम 2π होगा, पर ध्यान ही नहीं देगा कि पाई भी इसका हो सकता है, बिकॉज पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे कहानी पे ध्यान देना आप अच्छे से, ठीक है, फॉर्मुलाबाजी मत करिएगा हर जगह पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोलेगा सर sec स्क्वायर तो हमेशा 2π होता है, 2π होता है ना, नहीं पाई होता है, ये भी पाई होता है सर, ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पे काम चल रहा है बट बाकी जगह पे नहीं भी चल सकता है, समझ में आ रहा है ना आपको, बट यहाँ पे अगर प्लस हो जाता बीच में तो पाई बाई 2 भी हो जाता, बिकॉज sec 10 में चला जाता और 10 sec में, नहीं प्लस होने से नहीं होता, पाई होगा, इस माइनस रहने से पाई होगा, इतना तो कंफर्म है, समझ में आ रहा है। और अगर मैं कुछ एग्जांपल्स कराने की बात करूं तो क्या कराऊं, क्या कराऊं, क्या कराऊं, इसको देखो ये एग्जांपल, tan of 2x/3 minus π/4 plus fraction part of minus x/4, ठीक है, tan of 2x/3 minus π/4 plus fraction part of minus x/4, जैसे इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई होता है, पाई डिवाइडेड बाई a कितना हो जाएगा 3π/2, और इसका पीरियड कितना होता है, फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड कितना होता है, 1 होता है ना, ऐसे ऐसे 1 लेंथ के बाद, और यहाँ पे 1/4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1 / 1/4 हो जाएगा, बट इन दोनों का एलसीएम का मतलब डिफाइन नहीं होगा ना, क्योंकि T1/T2 रेशनल नहीं है, पाई रह जाएगा, तो रेशनल नहीं आएगा, इसीलिए ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये पीरियडिक फंक्शन बोलेंगे, समझ में आ रहा है, बिकॉज T1/T2 इज नॉट रेशनल। तो आप देख सकते हो लास्ट में मैंने और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एक्सरसाइज में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट अभी मैं लिख दिया तो करने में आसानी होती है, मोबाइल से देखने में तकलीफ हो जाएगी सवाल, ठीक है। तो देख लेते एक बार इनका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। जैसे पीरियड निकालने बोला है पहले,
कॉस साइन एक्स का, कॉस साइन एक्स का अगर आप पीरियड निकालने जाओगे ठीक है, तो आप यहाँ पे तो कोई रूल आपका अप्लाई नहीं होगा, वही आपको ट्रायल करना पड़ेगा। जैसे 2π आपने रखी है तो 2π तो होगा ही साइन एक्स का, आपको अच्छे से पता है कि ये एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और अंदर का जो होगा पूरा का भी वही होगा, तो साइन का 2π है तो बाहर वाले का भी क्या होगा, पूरा पूरा कंपोजिशन का 2π होगा ठीक है। ये आप कमेंट नहीं कर सकते हो, बट ये कमेंट कर सकते हो कि साइन अगर पीरियडिक है तो पूरा पूरा कॉस साइन एक्स पीरियडिक होगा, तो 2π से डेफिनेटली छोटा ही हो सकता है अगर पॉसिबिलिटीज है तो 2π से छोटा वैल्यू पे आप चेक करो, एक बार पाई पे चेक करो और आपको मिल जाएगा। बट अगर आप पाई बाई 2 पे चेक करने जाओगे तो ये कॉस ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा जो कि नहीं होगा। सिमिलरली पाई बाई 4 पे तो और भी नहीं होगा, पाई बाई 8 ये सब तो सोच के फायदा ही नहीं है। तो 2π पे दिख रहा था डायरेक्टली, बट जैसे कि हमें पता है कि अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो जरूरी नहीं है कि गॉफ एक्स का पीरियड भी टी होगा, उससे कम भी हो सकता है। और वही आपको यहाँ पे मिल रहा है कि इसका पीरियड कितना है, पाई। फिर कॉस ऑफ रूट एक्स, इसको अगर आप ध्यान से सोचने गए तो आप ये सोचोगे कि क्या पता ऐसा कोई टी मैं ढूंढ लेता हूँ जिसके वजह से मुझे ये मिल जाए ठीक है। जैसे ही आप सोचने जाओगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा तो आपको ये मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगा ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्वायर वगैरह करके टी का वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको देखोगे कि टी कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है, टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है जो कि इम्पॉसिबल सा सिचुएशन है ठीक है। अगर टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ए पीरियडिक फंक्शन कहलाएगा ठीक है, यानी कि इसका कोई पीरियड डिफाइंड ही नहीं होगा, ये रिपीटेशन होगा ही। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगला वाला पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स माइनस बी, तो आप जानते हो एक्स और बॉक्स को एक साथ एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है, बट फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है वो पीरियडिक होता है, तो हम क्यों ना इस चीज को उस चीज पे कन्वर्ट कर दे ताकि हमारे लिए और आसान हो जाए। तो हम क्या सोचेंगे यहाँ पे, इधर भी x माइनस बी लाने का कोशिश करते हैं, x माइनस बी माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ x माइनस बी, और यहाँ पे माइनस बी एक्स्ट्रा आया तो प्लस भी कर देते हैं, ये जो चीज बदल जाएगा ये किसमें बदल के जाएगा, b प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस बी। समझ में आ रहा है ना ठीक है। तो अभी इस चीज का पीरियड कितना है, 1 है, फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड कितना होता है, 1 होता है ना, x के साथ तो कुछ मल्टीप्लीकेशन में आया नहीं तो सोचने का जरूरत ही नहीं, इसका पीरियड 1 है तो साथ में प्लस में करो, x के साथ माइनस करो, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट x के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर अगर मैं आगे सोचता हूं कि साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स, साइन का पीरियड क्या है, ये भी एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आप बोल सकते हो। अंदर वाले का पीरियड पहले ढूंढने का कोशिश करो, ठीक है ना, अंदर वाले का पीरियड यानी कि कॉस एक्स प्लस एक्स के बारे में सर्च करो, कॉस एक्स एक्स तो पीरियडिक होता ही नहीं है ठीक है, एक्स तो पीरियडिक होता ही नहीं है, और एक ए पीरियडिक फंक्शन के साथ अगर एक पीरियडिक फंक्शन है तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉलप्स हो जाएगा ना सर, ए पीरियडिक फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बट स्टिल बाहर साइन होने की वजह से मैं इसको एक बार ट्राई मार के देख देता हूँ 2π से, क्या पता हो जाए, 2π से एक बार ट्राई मार के देख लेता हूँ, x के जगह पे 2π प्लस x लिख करके देखता हूँ क्या हो रहा है हालात, तो cos 2π प्लस x तो cos x ही हो जाएगा, प्लस x प्लस 2π, तो ये देखो 2π प्लस थीटा, तो अभी sin 2π प्लस थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, sin थीटा बोल सकता हूँ, यानी कि ये हो गया आपका sin ऑफ cos x प्लस x, तो ये वापस घूम करके उसी में आ गया। तो इसी के साथ साथ जो पीरियडिक आपको लग रहा था बनने ही नहीं वाला है, ये पीरियडिक नहीं है ठीक है ना, ये पीरियडिक है क्या, ये पीरियडिक नहीं है, आप सोच करके देख लो ये पीरियडिक है क्या, बिल्कुल ये पीरियडिक नहीं होगा, बट आपको यहाँ पे क्या मिल गया कि कॉम्पोजिशन जो है वो पीरियडिक हो गया। तो हमने ये कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा कि अगर अंदर वाला पीरियडिक नहीं होता है तो ओवरऑल पीरियडिक नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ओवरऑल पीरियडिक, यहाँ पे आपको प्रूफ मिल रहा है। समझ में आया ना, तो ये सारे कहानी जो छोटे मोटे कहानी है पीरियडिक फंक्शन में एक्सेप्शन कहलाते हैं, उस चीज को ध्यान से प्रॉपरली सोचने का कोशिश कीजिएगा। सोचने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अभी आपके लिए ये चीज और एक्सेप्शन नहीं है, बट कोई अगर रटने जाएगा तो उसके लिए वो एक्सेप्शन का काम करेगा ठीक है। तो अभी आप ध्यान से सोच सकते हैं कि ये सारे फंक्शंस के पीरियड कैसे आप निकाल सकते हो ठीक है। सच मानना है आपको 2π में ही, 2π के आसपास ही घूमता रहता है पीरियड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इन्वॉल्व हो गया। इसका अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले का क्या दिखेगा, मॉड साइन एक्स का पाई होता है तो मॉड साइन 4x का क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, फिर उसका भी पाई बाई 4, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा पाई बाई 4 ठीक है। फिर नीचे का क्या होगा, फिर नीचे का क्या होगा, इसका आपको क्या दिख रहा है, इसका तो मुझे दिख रहा है पाई बाई 2, क्योंकि 2π होता है साइन एक्स का, तो ये पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 हो गया, ये भी पाई बाई 2 हो गया, मतलब कहानी उसी के आसपास पाई बाई 2 के आसपास इधर उधर रुका हुआ है।
तो पाई बाई टू पुट करके एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ऊपर तो पाई बाई फोर आ चुका है, ठीक है, ऊपर पाई बाई फोर आ चुका है, नीचे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। अगर मैं इसका पीरियड ढूंढने का कोशिश करूं तो आपको लग सकता है पाई होगा क्या, पाई तो हो ही जाएगा, पाई बाई फोर होगा क्या, पाई बाई फोर, खैर चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं डायरेक्टली, अगर फोर एक्स है तो सोच नहीं पा रहा हूं तो चेक कर लेता हूं एक बार, ठीक है। चेक किस प्रकार से करूंगा, तो सर्च कर लो ना एक्स के जगह पे एक बार एक्स प्लस पाई रख करके चेक कर लो क्या आ रहा है, अलग क्या हो रहा है, एक बार चेक कर लो। अगर एक्स की जगह पे एक्स प्लस पाई रख करके एफ एक्स मिल जाता है तो ठीक है, वही हो जाएगा पीडीएफ, बट सर्च मारना पड़ेगा क्या उससे भी छोटा हो सकता है क्या। एक्स प्लस पाई बाई फोर रखो तो भी आप चेक कर सकते हो, अगर पाई बाई फोर हो गया तो भी डर रहेगा कि क्या पता पाई बाई एट भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। पाई बाई एट तक मैं यहाँ पे चेक करता जाऊंगा, अगर पाई बाई एट नहीं हुआ तो पाई बाई फोर होगा, अगर पाई बाई फोर नहीं हुआ तो पाई बाई टू होगा, अगर पाई बाई टू नहीं हुआ तो पाई होगा, बट मैं पाई बाई एट तक यहाँ पे चेक करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर है, बट मैं पाई बाई सिक्सटीन पे जाने का हिम्मत नहीं दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं पाई बाई सिक्सटीन पे चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा फोर इंटू पाई बाई सिक्सटीन, दैट इज पाई बाई फोर प्लस फोर एक्स, और पाई बाई फोर प्लस फोर एक्स अगर आ गया तो ए प्लस बी का वो आपका फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी का, जिससे रूट टू वगैरह आ जाएगा, तो ये फंक्शन घूम करके वापस एफ एक्स में कभी भी नहीं आएगा, तो ये पीरियडिक हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाई सिक्सटीन में जाने का जरूरत है, आप समझ सकते हो, मतलब उस वैल्यू पे एक्स को आप एक्स प्लस दैट वैल्यू तक सोचो जिसके वजह से लास्ट वैल्यू यहाँ पे पाई बाई टू प्लस थीटा आ जाए, समझ में आ रहा है ना, लास्ट पाई बाई टू प्लस थीटा आ जाए, ठीक है। तो हम डेफिनेटली फोर इंटू समथिंग करके अगर पाई बाई टू लाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पाई बाई एट तक सोचेंगे, किसी प्रकार से पाई बाई एट तक सोच लो, अगर पाई बाई एट तक पाई बाई एट हो जाता है तब तो अच्छी बात है, अगर पाई बाई एट नहीं होता है हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंजेबल इसके साथ ये भी लगा दिया ना, अगर सिर्फ ये होता तो शायद मैं घबराता, बट इसके साथ ये भी है ना इंटरचेंजेबल हो भी सकता है, मॉड्यूलस भी बाहर लगा हुआ, पाई बाई एट भी हो सकता है, पाई बाई फोर भी हो सकता है, मतलब छोटा तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो कर लीजिएगा, ये पता चल जाएगा शीट में है आंसर वगैरह है। अगला वाला, अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बारे में सोचूं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, बोलो 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 बोलो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कोई बोलता है सर ये तो उसी की तरह है ना, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की तरह, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की तरह अगर बोल रहे हो तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई बाई टू, समझ में आ रहा है ना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टडी कराया था, पाई नहीं होता है, पाई बाई टू होता है, ये सब छोटा छोटा पीरियड आप याद ही रख सकते हो, तो साइन स्क्वायर भी तो उसी फंडा में चल रहा है, पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस स्क्वायर बन जाएगा और ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका पीरियड भी पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना, कोई कोई इस लॉजिक से इसका पीरियड भी पाई बाई टू बोल देगा, बट ये क्या होता है, पाई बाई टू कब होता, जब सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का काम ही होता, क्योंकि सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर याद है ना, पाई बाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं हो रहा था, थोड़ी देर पहले बताया, समझ में आया ना, इसीलिए वो बीच बीच में सर्कल आ रहा था और उस गैप की वजह से पाई बाई टू हो गया, बट ये देखो ये तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर डिफाइन है ना, दिस और वन ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, उधर नहीं था बट इधर है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो तो वन ही आ जाएगा ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो उधर आपको ये एलसीएम वगैरह लगा करके आप क्या 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 करोगे, आप पाई बाई टू अगर ढूंढने जाओगे तो पाई बाई टू से भी छोटा आपको और पीरियड मिल जाएगा, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है ना। तो इस केस में ये वन के इक्वल होने की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, पीरियडिक तो बोलते हैं बट इसका पीरियड हम डिफाइन नहीं करते, बिकॉज ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या होता है, वन जो है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आप कोशिश करके ये सारे कहानी को याद रखिएगा ताकि एग्जाम में अगर दिखे तो मेरा याद आए, आपको मैंने क्लास में आपको बताया था ये सारे कहानी, ठीक है। अभी देखते हैं आगे का चीज, कंफ्यूजन अगर होता है तो पूछते रहिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एफ आर से आर पे एक ऑड फंक्शन है विद फंडामेंटल पीरियड फोर, तो एफ ट्वेल्व क्या होगा। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए यार क्वेश्चन जो बनाते हैं ना, मैं ना मेरा तो चोरी किया हुआ क्वेश्चन है, बट जिसने भी बनाया कितना सोच के बनाया होगा। देख फंडामेंटल पीरियड फोर बोला है ना, फंडामेंटल पीरियड फोर बोला है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ट्वेल्व को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, एफ ऑफ एट प्लस फोर लिख सकता हूँ, और अगर फंडामेंटल पीरियड फोर है तो एफ ऑफ एट प्लस फोर क्या हो जाएगा, एफ एट के इक्वल हो जाएगा, एफ एट को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर प्लस फोर, अगर फंडामेंटल पीरियड फोर है तो इस ये भी फोर, एफ ऑफ फोर के इक्वल होगा, इस एफ ऑफ फोर को मैं एफ ऑफ फोर प्लस जीरो लिख सकता हूँ, फंडामेंटल पीरियड फोर है तो उसको मैं एफ ऑफ जीरो के इक्वल दे सकता हूँ, समझ में आ रहा है। और आपको अच्छे से पता है अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन के अबाउट तो सिमेट्रिक होता ही है, मतलब ओरिजिन से तो उसको पास करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, जितना भी ऑड फंक्शन है दुनिया का सारे के सारे ओरिजिन से पास तो करेगा ही करेगा,
अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, f जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। काम करो, कुछ भी नहीं दिया है इंफॉर्मेशन, देखो कुछ भी नहीं दिया है, एक ऑड फंक्शन और क्रिएट दिया है उसके हेल्प से। मैं यहाँ पे f12 बोलो, f16 बोलो, f20 बोलो, कुछ भी निकाल देंगे, सारे के सारे का आंसर क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो सोचने का प्रयास करो, सोचोगे तो ऐसी चीज आपके सामने और भी बहुत सारे काम निकल करके आएगा। ठीक है, अभी आ गया हमारे सामने ग्राफ, लॉग ऑफ फ्रैक्शन पार्ट। क्या सर ये सब क्या कर रहे हो, तो देख के घबराहट हो रहा है सर। लॉग ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स ही मुश्किल से याद रखते सर, अभी लॉग के अंदर साइन एक्स घुसा दिए। बॉक्स ऑफ साइन एक्स, बॉक्स अकेला संभाला नहीं जाता है, बॉक्स के अंदर साइन एक्स डाल दिए, क्या करूं बोल, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वापस जो मिलेगा इससे अच्छा अभी निपटा देते कहानी को। तो देख लेते इंटरेस्ट के साथ, देख समझ जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट होना चाहिए, हाँ इंटरेस्ट के साथ देखोगे सब समझ जाओगे, सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते लॉग ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, क्यों पीरियडिक फंक्शन में आप बोल रहे हो, होशियार बच्चा क्लिक करेगा उसका दिमाग में, जरूर पीरियड का कोई लफड़ा होगा, मतलब ग्राफ कुछ इंटरवल बाद रिपीट करेगा शायद, ठीक है ना। फ्रैक्शन का पीरियड क्या होता है सर, वन होता है, क्या होता है, वन होता है। अगर फ्रैक्शन का पीरियड वन है तो लॉग ऑफ फ्रैक्शन भी क्या होगा, पीरियडिक तो होगा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। बट मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक और ट्रिक बताया था, ट्रिक में ही रिजल्ट ही है कि लॉग ऑफ अगर fx का पीरियड t है तो लॉग ऑफ fx का पीरियड भी t ही होता है, समझ में आया, दैट इज फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड आपको क्या पता, वन है ना, वन है ना फंडामेंटल पीरियड, तो लॉग ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड भी क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मतलब ये भी वन इंटरवल बाद अपने आपको क्या कराएगा, रिपीट कराएगा, रिपीट। तो ग्राफ बनाने का प्रयास करते चलिए, ठीक है। एक्स तो पूरा पूरा दुनिया पे डिफाइंड होगा, लॉग के अंदर पॉजिटिव होता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है बिना लाइक, समझ में आ रहा है, इसका वैल्यू तो जीरो से वन है ना, डिफाइंड है, बट जीरो नहीं हो सकता, जीरो कब होगा, जब जब एक्स इंटीजर होगा तब तक ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, मतलब सारे के सारे इंटीजर जो है उसमें पहले से ही आप क्या लगा सकते हो, ब्रेकिंग लगा सकते हो, गोला 2, 3, 4 है ना, -1, -2, -3 इस सारे कहानी पे पहले आप डॉटेड खींच सकते हो, क्योंकि यहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू इंटीजर हो गया तो फ्रैक्शन जीरो हो जाएगा और लॉग जीरो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप इसका ग्राफ बनाओगे, देखो अभी इसका पीरियड आपको पता चल गया कि वन, मतलब एक इंटरवल में बनाने के बाद यहां से तो जीरो से वन हो गया ना, इस जगह पे अगर मैं ग्राफ बना दूं तो वही ग्राफ को पूरा इंटरवल में रिपीट करा सकता हूं, क्यों, क्योंकि पीरियडिक फंक्शन है, पीरियड वन, समझ में आया ना, तो इसका ग्राफ रिपीट होता जाएगा ना, इसीलिए आप इसका ग्राफ इस प्रकार से बना सकते हो। बस यहाँ पे आप सोच लो क्या होगा, सोचो जीरो पे क्या होगा, जीरो पे तो डिफाइन नहीं है, समझ में आ गया ना, जीरो पे क्या है, डिफाइन नहीं है ना, लॉग जीरो क्या हो जाता है, माइनस, याद है लॉग जीरो का वैल्यू इन्फिनिटी तो होता है बट जीरो पे माइनस इन्फिनिटी होता है, मतलब यहाँ पे वन पे भी क्या है, डिफाइन नहीं है, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ में आया। चलो अभी क्या सोचते हैं कि जीरो से वन के बीच में पूरा पूरा जगह पे इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, लॉग एक्स रहेगा क्या, अच्छा ये कभी जीरो आ सकता है क्या, ये सोच लो, ये जीरो कहां पे आएगा, जब फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू वन के इक्वल होगा, बट वो तो कभी गोल होता ही नहीं है, तो ये तो इसको कभी टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि आप देख सकते हो कि इसका वैल्यू हमेशा जीरो से वन के अंदर है, और लॉग का वैल्यू अगर लॉग का इनपुट अगर जीरो से वन के अंदर है तो आउटपुट हमेशा नेगेटिव आता है, पता है ना, आउटपुट हमेशा नेगेटिव आता है, यानी कि बिलो एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे भी बिलो एक्स एक्सिस आएगा, तो क्या होगा कहानी, अगर मैं सोचू जीरो से वन पे अगर मैं पॉइंट वन में सोचू तो पॉइंट वन का तो पॉइंट वन ही आएगा, है ना, मतलब जीरो से वन के बीच में फ्रैक्शन पार्ट तो एक्स के इक्वल ही होता है, एक्स के इक्वल ही होता है, तो लॉग एक्स का ग्राफ ही फॉलो करेगा, ठीक है ना, पूरा पूरा लॉग एक्स का ग्राफ ही फॉलो करेगा ना, हाँ लॉग एक्स का ग्राफ ही फॉलो करेगा, लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, जीरो से वन के बीच में ही हो जाता है, बट वन पे तो वो टच नहीं करेगा ना, वन पे क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, लॉग जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, वही हो जाएगा। मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक तो इंक्रीज करेगा, और वन पे इसका जो वैल्यू वापस माइनस इंफिनिटी है ना, यानी कि अनडिफाइंड हो गया। और उसी चीज को अगर मैं वन पीरियड बाद रिपीट करा देता हूँ, क्योंकि पीरियड वन है, अगर पीरियड वन है तो ये रिपीट करेगा इस प्रकार से, समझ में आ रहा है, पूरा थ्रू आउट द इंटरवल वो इस प्रकार से रिपीट करता जाएगा। और यहाँ पे गोला लगाओगे हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी में है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इस चीज का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अभी आपको अगर कुछ भी अगर ऐसे टाइप की इक्वेशन अगर सॉल्व करने देता है, लॉग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो से टू, ठीक है ना। तो आप लॉग फ्रैक्शन पार्ट इक्वल टू माइनस एक्स कर दोगे, इसका ग्राफ बना दिए, फिर माइनस एक्स का ग्राफ बना दोगे, फिर जीरो से टू के बीच में कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो देख लोगे, तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। याद है ना, फंक्शन पार्ट वन में मैंने जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन कराया था, तब एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक में इस प्रकार की इक्वेशन सॉल्व किया था, जो अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन का मिक्सचर होता है, बट उनमें एग्जैक्ट वैल्यू अपन निकाल नहीं सकते एक्स का विदाउट सॉफ्टवेयर, बट इतना हम कैलकुलेट करके बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार की इक्वेशन जे में पूछे जाते हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन चेक करना आपको आना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये ग्राफ्स का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप तरीके से ग्राफ को सीखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा log sin x, ये आप सोच लीजिएगा यार, log sin x। मैं तीसरा वाला बता देता हूं, अगर नहीं सोच पाए तो आज टाइम भी हो रहा है, दो घंटे के आसपास चला जा रहा है, तो आज तो मैं बाद में आपको बता दूंगा जब डिस्कस करूंगा ना, तब अगर डाउट आता है तब तो बोलूंगा, शेट तो डिस्कस होगा ही, टेंशन क्यों लेते हो, या फिर फोन करके पूछिए ना। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन एक्स, क्या इसका पीरियड दिखता है, मैंने बोला था साइन एक्स का पीरियड अगर टू है, एफ एक्स का पीरियड अगर टू है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ एक्स क्या होता है, पीरियडिक होता है विद पीरियड सेम टी, तो साइन एक्स का पीरियड अगर टी है, टू पाई है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन एक्स का पीरियड भी कितना होगा, टू पाई ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका साइन एक्स, ठीक है। तो यहां से हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन एक्स बना लेते, ठीक है ना। देख ये वैल्यू क्या होता है, वन, ये वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, ये जीरो, ये पाई, ये टू पाई, ये थ्री पाई, ये माइनस पाई, माइनस टू पाई, ऐसे चलेगा। मतलब आप जीरो से टू पाई में ग्राफ बना दो और उसी चीज को रिपीट करा दो आगे, बिकॉज पीरियड इज टू पाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बिकॉज पीरियड इज टू पाई, तो ग्राफ रिपीट होगा ना आगे, समझ में आ रहा है। अभी देख, जीरो से पाई के बीच में साइन का वैल्यू क्या है, जीरो से वन के बीच में है, समझ में आ रहा है। साइन का वैल्यू क्या है, जीरो से वन के बीच में है, तो जीरो से वन के बीच में अगर अंदर है तो बॉक्स ऑफ जीरो टू वन क्या होता है, जीरो ही तो होता है ना, तो उसमें तो सोचने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मतलब इस पूरा हिस्से का जो शेडो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है। बट पाई पे वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो पे भी वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, बट पाई बाई टू पे यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, वन होता है ना, तो बस पाई बाई टू पे आप यहाँ पे ओपन लगा दोगे और पाई बाई टू पे यहाँ पे क्लोज लगा दोगे, समझ में आ रहा है। अभी अगर मैं पाई पे और टू पाई पे सोचू तो उस जगह पे भी जीरो होगा, है ना, और पाई से टू पाई पूरा इंटरवल में साइन एक्स का आंसर जीरो से माइनस वन, और जीरो से माइनस वन का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है पता है सभी को, क्या होता है जीरो से माइनस वन का फ्रैक्शन पार्ट, माइनस वन होगा ना, जीरो से माइनस वन पूरा इंटरवल का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, जस्ट पीछे वाला इंटरवल होता है ना फ्रैक्शन का आंसर, तो माइनस वन हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो वही चीज आगे वापस रिपीट होता जाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, पीरियडिक है ना, समझ में आ रहा है, वही कहानी आगे वापस ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो देख यहां से लेकर के यहां तक जो हिस्सा है वही टू पाई वाला हिस्सा आगे भी रिपीट हो रहा है, समझ में आया। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ बॉक्स ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वन, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस वन, और यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा टू पाई, ये हो जाएगा पाई, ये जाएगा पाई बाई टू, ये जाएगा जीरो, इस प्रकार से जो कहानी है वही कहानी आगे रिपीट होगा, आगे वापस टू पाई से थ्री पाई के बीच में यहाँ पे एक डॉट आएगा, फिर यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा, और फिर उसके बाद ऐसे होता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली उधर भी ऐसे रिपीटेशन चलता जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन बॉक्स ऑफ साइन एक्स, समझ में आया, क्लियर है, जिसको आपने अपना पीरियडिक फंक्शन का कंसेप्ट से महफूज आराम से सेफली बना दिए, एक इंटरवल में बना करके आगे आप बोल सकते हैं फंक्शन रिपीट करेगा, बिकॉज फंक्शन इज पीरियडिक विद पीरियड टू पाई, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया sin x अगर पीरियडिक है तो बॉक्स sin x पीरियडिक होगा विद द सेम पीरियड टू पाई,
समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप इस कहानी को आगे कंटिन्यू करा सकते हैं, है ना सर? तो हो गया, बता दीजिए कल। तो ड्रो करना है, कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे का कहानी पे बात करते, ठीक है? आगे जो प्रोफाइल है ना, वो आपको एक पूरा पूरा नया प्रोफाइल दिख रहा होगा। एक फंक्शनल इक्वेशन का एक रिलेशन दिया हुआ है और उस जगह पे आपको एफ एक्स का पीरियड ढूंढने के लिए बोलता है। ये एक नया प्रोफाइल है पूरा पूरा आपके लिए। यहाँ पे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो चीज आप सीख लीजिए। ये एक फंक्शन है, एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है बोल रहा है जो इस टाइप ऑफ फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? तो एफ एक्स का पीरियड क्या होगा आपको बताना है। इतना आप कंफर्म हो कि अगर एफ एक्स का पीरियड आपको निकालना है तो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना होगा। तो एफ एक्स यहाँ पे आपको सब कुछ कैंसिल करा के बस ये बचाना है कि एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस टी टाइप का चीज। तो वो कैसे बचा सको, वही कैलकुलेशन आपको इस जगह पे करना है। देखो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं, है ना भाई? तो अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते, चलो x के जगह पे, मतलब इंटरचेंज कर रहा हूं, x के जगह पे ना मैं क्या डाल रहा हूं, x माइनस टू डाल रहा हूं, x के जगह पे x माइनस टू डाल रहा हूं इस रिलेशन में। तो क्या हो रहा है, x माइनस टू प्लस टू, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस टू प्लस सिक्स, तो x प्लस फोर आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस टू प्लस फोर, तो ये x प्लस टू आ जाएगा, और ये आ जाएगा x माइनस टू प्लस एट, दैट इज x प्लस सिक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है? अभी ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। इक्वेशन वन और टू से क्या मिलेगा, ये पार्ट इधर, इधर वाला पार्ट इधर जनरेट हो गया, तो तू इसको और इसको इक्वल बोल सकता है ना, फ्रॉम वन एंड टू इन दोनों को इक्वल बोल सकते हो आप। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एट हो गया। इन दोनों को उड़ा दो तो यहां से अपने को मिल गया एफ ऑफ एक्स प्लस एट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया तो कहानी क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा लीस्ट फंडामेंटल पीरियड ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स विच इज एट। तो इस फंक्शन एफ एक्स का जो पीरियड आ गया वो कितना आ गया, एट आ गया। तो ये एक अलग प्रोफाइल का एप्लीकेबल एप्लीकेशन है जो कि फंक्शनल रूल हम बोलते हैं। लास्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे उस चीज को, फंक्शनल रूल यानी कि फंक्शनल इक्वेशंस। बट पीरियडिक फंक्शन में इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं जहां पे आपको पीरियड निकालना होता है और बच्चे फंसते भी है। तो अगर आप इस सब्स्टिट्यूशन को, इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन शीट में आपको और दो तीन क्वेश्चन इस प्रकार में मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो उधर आप इस चीज को अगर बेहतर तरीके से समझे होंगे तो आप उधर उन क्वेश्चंस में वही उस टाइप ऑफ कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, मैं बार बार बोल रहा हूं देखो, एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस टी बचाना मेरा मेन एम था और वही मैंने बचा लिया यहाँ पे, ठीक है? ये तो एक सिंपल प्लेटफॉर्म लिया मैंने, बट उधर आपको और कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी प्रोफाइल में, ठीक है? उस चीज को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? और अगर नहीं होता है तो हम डिस्कशन के टाइम करते देंगे, ठीक है? बट मुद्दे का बात है कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करके आप, कुछ ना कुछ सॉल्व करके आपको किस चीज में जाना है, आपको उस चीज में जाना है एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस टी वाले कहानी। उसके अलावा और कुछ बचना नहीं चाहिए, एफ एक्स इधर बचना चाहिए और इधर एफ ऑफ एक्स प्लस टी बचना चाहिए, उसके अलावा और कुछ बचना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर मेरे पास, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका प्रॉपर पीरियडिक का एक और टाइप। अभी अगर मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ूं और देखने का कोशिश करूं तो आप ये देख सकते हो कि क्या बोला जा रहा है। ये भी एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला है, पीरियड निकालने के लिए नहीं बोला है बट बोला है कि अगर साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई एन, इस फंक्शन का पीरियड फोर पाई है तो n का वैल्यू क्या होगा, जहां पे n एक इंटीजर है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये तो fx by gx है, fx का पीरियड क्या होगा बोल, sin x का 2 पाई है तो sin nx का 2 पाई by n होगा। इसका क्या हो जाएगा, sin x का 2 पाई है तो ये हो जाएगा 2n पाई। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? अगर इस पूरा फंक्शन का पीरियड 4 पाई है, मतलब इन दोनों का, इन दोनों का देखो यहां पे n तो इंटीजर है तो इन दोनों का रेशियो जो है वो तो रैशनल होगा, पीरियड तो एग्जिस्ट करेगा, पीरियड तो डिफाइंड होगा, बट आंसर जो आएगा वो 4 पाई आएगा, मतलब इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 पाई, दैट इज एलसीएम ऑफ 2 पाई बाय n कॉमा 2 पाई n इज इक्वल टू 4 पाई। समझ में आया? तो एलसीएम ऑफ 2 पाई बाय n कॉमा 2 पाई n को 4 पाई होने का मतलब क्या है, ध्यान से अगर आप सोचोगे तो क्या निकलेगा, देखो
एन और नीचे वन, एन तो है आपका इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर का अगर मैं वन के साथ HCF सोचो, क्योंकि डिनोमिनेटर का तो HCF आता है ना, कोई भी इंटीजर का अगर वन के साथ आप HCF सोचो तो क्या आएगा, वन ही तो आएगा। HCF हमेशा क्या होगा, वन ही तो होगा ना, HCF तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। किसी भी इंटीजर का वन के साथ HCF क्या होगा, वन ही होगा, समझ में आ रहा है। और 2π और 2nπ का LCM कितना होगा, ऑब्वियसली 2nπ होगा, बिकॉज m इज एन इंटीजर, व्हिच इज इक्वल टू 4π। तो यहां से सॉल्व करके m का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, इनका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे इस चीज का कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से आप इस तरीके का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो प्रैक्टिस करने के लिए देख बहुत क्वेश्चन मिलेगा शीट में, वो तो सॉल्व करेगा ही, और वो सॉल्व करने के साथ साथ पहले तो लेक्चर देखना है, दोनों लेक्चर, लेक्चर देखने के बाद पूरा नोट्स वगैरह बना करके अच्छे से रफ नोट्स बना के दिमाग में क्लियर कर लेना है कि जहां तक पढ़ाया गया वहां तक चक्कर क्या है। उस जगह पे डाउट है तो फोन करके साथों साथ क्लियर करना है, उसके बाद ही शीट में हाथ लगाना है, नहीं तो हाथ जल जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, बिना क्लास को समझे हुए शीट अप नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन घर पे लेके जाओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, fx क्या है, साइन टू एक्स, इसका पीरियड निकालने बोल रहे हैं डायरेक्ट, log बेस ही 10x/4 प्लस log ऑफ बेस cot x/4। ठीक, इसका पीरियड कितना भाई, 2π, इसका पीरियड ये पाई होता है बट 1/4 मल्टीप्लाई है तो पाई डिवाइडेड बाई 1/4 4π हो जाएगा। और आपको पता है कि log ऑफ fx का पीरियड वही होता है जो fx का पीरियड होता है, ठीक है ना, अगर fx पीरियडिक है तो log ऑफ fx का पीरियड वही होगा जो fx का होगा, दैट इज fx का कितना है, fx का कितना है, fx का है आपका 4π, तो log ऑफ fx का कितना हो जाएगा 4π, और इसका भी कितना हो जाएगा 4π। तो अगर मैं सबसे पहले इन दोनों का सोचूं तो इन दोनों का पीरियड का आंसर कितना आ रहा है भाई, 4π आ रहा है, LCM 4π है ना, और फिर इन दोनों का अगर 4π आ गया तो इस 4π और 2π का कितना हो जाएगा LCM, 4π हो जाएगा। तो ओवरऑल पीरियड जो होगा फंक्शन का वो कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा, समझ में आया। बट आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि सर ने बार बार ये बोल के दिया है कि 4π अगर है तो 2π में भी एक बार सोचना है, पाई में भी एक बार सोचना है, और उससे कम वाले वैल्यूज में भी एक बार सोचना है, जहां तक आपको फंक्शन चेंज होने का बदबू ना मिले, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पे 4π से छोटा और सोचिए 2π में सोचिए, तो इसका पीरियड तो 2π है ही, क्या देख लो क्या इधर 2π में कोई चेंजेस हो रहा है, 2π रखने से x के जगह पे 2π प्लस x अगर रखोगे तो ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस x/4, तो 10 ऑफ π/2 प्लस x/4 हो जाएगा आपका cot, और cot यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, समझ में आ रहा है ना, और मॉड्यूलस भी लगा हुआ है और बीच में प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2π इनके लिए भी सही जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शन का पीरियड जो है वो तो मैंने चेक करके निकाल दिया कि f ऑफ 2π प्लस x भी किसके इक्वल आ रहा है, fx के इक्वल आ रहा है, मतलब 4π से भी छोटा पॉसिबिलिटी आ गया, वो कौन है, 2π है, समझ में आया, क्लियर है। और उससे भी अगर छोटा सोचना चाहते हो तो छोटो सोचो कि पाई होगा, पाई अगर सोचोगे तो पाई प्लस एक्स डालोगे, पाई प्लस एक्स अगर डालोगे तो 10π/4 प्लस एक्स आ जाएगा, π/2 नहीं आएगा, भी π/4 प्लस x/4 आ जाएगा, तो π/4 अगर आ गया तभी तो a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा ना, फंक्शन का चेहरा बदल जाएगा, और कोई सोच के फायदा है नहीं, तो पाई पे सोच के फायदा नहीं है, तो π/2, π/4 ये सब पे तो सोच के फायदा ही नहीं है, और छोटा जाएगा और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, चेहरा चेंज होगा, तय है, समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ साथ हम कमेंट कर सकते हैं कि पीरियड 4π को पॉसिबल है, बट लीस्ट फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो 2π होगा, जो हमने इंस्पेक्शन से निकाल दी, जिस चीज पे हमेशा मैंने आपको ध्यान देने बोला है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से इस फंक्शन का जो पीरियड हो गया वो भी क्या हो गया, 4π ना होकर के 2π हो गया, क्यों, क्योंकि इससे छोटा पीरियड एग्जिस्ट कर रहा है, वही फॉर्मूला था आपका रेस्ट्रिक्शन का। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं सोचता हूं कि मैंने पीरियडिक फंक्शन का एक एक कंसेप्ट जो मुझे पता था मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और बहुत ही प्यार के साथ मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, पता नहीं कितना समझा पाया, अगर समझा पाया तो बहुत अच्छी बात है, बता दीजिएगा सर सर की समझ में आ गया तो थोड़ा बहुत खुशी भी हो जाता है, बट आप लोग कुछ बोलते नहीं है वो अलग बात है, ना बोलिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना काम करता जाऊंगा, बट अगर समझ में नहीं आता है तो फोन कीजिए, पूछिए, और देखते हैं कि किस प्रकार से अपन आपका हेल्प कर सकते हैं और अपना डाउट उसी जगह पे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा और अपना काम समय पे निभाते रहिएगा। ठीक है, ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे आज, क्योंकि काफी ज्यादा और 4-5 वीडियो बनाना बाकी है। ठीक है,
तो होमवर्क मिलता जाएगा आपको, शीट मिल जाएगा, होमवर्क मिलेगा, और प्रॉपरली ये चीज समझ के अपना शीट का होमवर्क को कर लीजिएगा। अगला लेक्चर में हम अपना अगला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद फंक्शनल इक्वेशन का बात करें, उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहां पे हम शीट को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहा।